हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गोदरेज फुल ऑटोमेटिक का डेमो कैसे देते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूरा बताएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये 7.5 kg का फुली ऑटोमेटिक गोदरेज का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। ठीक है, ये 5-star का है, 10 साल का वारंटी है। इसका जो मेन चीज़ है मोटर 10 साल का, और इसका नीचे जो देख ली बेस, ये आपका स्टैंड नहीं भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बॉडी काफ़ी इसका मजबूत आता है, स्ट्रांग आता है, और ये जो बेस देख रहे हैं ये भी काफ़ी मजबूत आता है दोस्तों। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा दोस्तों कि इसका जो लीड देख रहे हैं, ये ढक्कन सट गिरेगा ये। ठीक है, ये धीरे धीरे गिरना है। जैसे बच्चे लोग हैं, मैडम लोग हाथ वात भी रख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे गिरना। दूसरा, ये जो ग्लास है ये आपका टफेन ग्लास यूज़ करता है, ये जल्दी आसानी से टूटता नहीं है। इस पर गलती से कुछ गिर भी गया ये टूटेगी नहीं। ठीक है, स्पेस भी अगर देखा जाए तो इसका स्पेस बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ताकि बड़ा बड़ा कंबल भी आप आराम से घुसा निकाल सकते हैं, कंजेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो पल्सेटर होता है, ये आपका एक्वा जेट पल्सेटर बोलते हैं इसको। इसमें 2.5 inch का डेप्थ होता है, गड्ढा होता है। ये क्या करेगा ना, बहुत तेज़ी से अंदर टर्बुलेंस पैदा करेगा, अंदर पानी में हलचल पैदा करेगा, ताकि कॉलर वॉलर में जो दाग रह जाता है उसको अच्छे से वॉश कर देता है। ठीक है, दाग रहने नहीं देगा कॉलर वगैरह में। और पल्सेटर काफ़ी चौड़ा है, ये क्या करेगा ना, पूरे कपड़े को लेके अच्छे से घूमता है ये। ठीक है, और एक कपड़े का रेसा दूसरे कपड़े में जाके ना चिपक जाए तो लिंट फिल्टर इसको बोलते हैं, जो ये डस्ट रेसा वगैरह कलेक्ट कर लेता है सारा। ठीक है, ये इसमें कलेक्ट कर लेता है, और इस तरीके से इसको खोल के इसे साफ भी कर सकते हैं और इसे फिर से वापस से लगा सकते हैं। इसका जो ड्रम होता है ये आपका एकदम नीचे तक होगा, और ये स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें जंग वंग नहीं लगता है। और इसका शेप जो होता है, ये ग्रेविटी ड्रम बोलते हैं इसको, ये नीचे की ओर बना हुआ, पानी जो आएगा इसमें, ये होल्स देख रहे हैं, इससे पानी आता है। इसके बाद एक और ड्रम होता है, तो पानी इससे अंदर बाहर होता है, तो कपड़ा अगर पूरा मोड़ के भी है अच्छे से कपड़े में, जो जाकर उसको अच्छे से फुलाता है। और ये जो शेप नीचे की ओर बना हुआ, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, और ये पल्सेटर ऊपर धकेलता है पानी को, तो इससे क्या होता है, रोलर कोस्टर वॉश होता है। एक्वा जेट पल्सेटर बोलता है इसको। ठीक है, ये रोलर कोस्टर वॉश करते हैं, और यहाँ से आपका कैस्केड वाटरफॉल होता है। यहाँ से जैसे पानी का फवारा होता है ना, जैसे हम लोग बाथरूम में नहाते, उसी टाइप से यहाँ से पानी गिरेगा आपका, और जैसे कपड़ा में मिट्टी वगैरह भी लगा हुआ है, अच्छे से वो खंगल जाता है। तो सबसे पहले कपड़ा इसमें डाल देना है, और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है नील का, जैसे आप उजाला वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप नील डाल सकते हैं 2-4 बूंद, और ये अंदर जाएगा, और फिर अंदर घोल के ये होल से अंदर बाहर करेगा, और कपड़े में अच्छे से नील वगैरह मिल जाना है। ठीक है, कपड़ा डाल के इसमें डिटर्जेंट डाल देना है आपको, जितना आप कपड़ा डाल रहे हैं उस हिसाब से डिटर्जेंट डाल दीजिए। इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये हाइड्रोलिक है, स्मार्ट डोर रहेगा, धीरे धीरे गिरना है। ठीक है, अभी क्या करना है कि 7.5 kg यहाँ पे देख रहे हैं, तो 7.5 kg सूखा कपड़ा पूरा इसमें डालना है। 7.5 kg ड्राई कपड़े का वजन लिखा रहता है हर एक वॉशिंग मशीन में। उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं ये पैनल पे। ठीक है, कोई भी ब्रांड का वॉशिंग मशीन आप लेते हैं तो देखिएगा, गौर कीजिएगा दोस्तों, उसमें सिर्फ जो है आपका टाइमिंग दिखता है। ठीक है, तो गोदरेज के इस वाले वॉशिंग मशीन में एल्योर का फीचर्स ये है कि पूरा डिस्प्ले है, फुल डिस्प्ले है इसमें। ठीक है, जो भी आप करेंगे एक एक चीज़ अच्छे से लिखा हुआ है। अभी देखिए, इसमें आपको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसे डेली लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो डेली जैसे कि आप लाइन जैसे ही इसमें देंगे, जैसे ही इसमें लाइन देंगे तो यहाँ पे डेली का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसी में रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग यही धोते हैं, डेली वॉश करते हैं, तो मैक्सिमम इसी में रहेगा, जब भी लाइन देंगे इसी में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, कपड़ा डालिए, डिटर्जेंट डालिए, स्टार्ट कर दीजिए, धोएगा, सुखाएगा, सब कुछ करके खंगाल के छोड़ देगा। आइए, कपड़ा निकालिए और 10 मिनट आप बाहर में रख दीजिए, धूप में, हवा में, वो कपड़ा पूरा तरह से ड्राई हो जाएगा। ये आपका 80% तक कपड़े को सुखा देता है, ड्राई कर देता है दोस्तों। अभी जल्दी जो कपड़ा पहनते हैं, डेली में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम ये यूज़ होगा। अब आपको प्रोग्राम चेंज अगर करना है तो यहाँ पे हैवी का बटन दिया हुआ है, तो आप हैवी को दबा देंगे, तो हैवी में क्या हो गया, टाइम बढ़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आप हैवी कपड़ा धो रहे हैं, हैवी में टाइम बढ़ गया, जैसे कंबल, जीन्स, ये सब हो गया, आप हैवी में धो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेलिकेट लिखा हुआ है, डेलिकेट में क्या है, जरी वाला, स्टोन वाला, साड़ी हो गया, ये सब आप डेलिकेट में धो सकते हैं दोस्तों। ये डेलिकेट, इसमें लाइट जल गया, हर एक प्रोग्राम में नीचे लाइट दिया हुआ, यहाँ पे लाइट जल जाएगा। तो हल्के कपड़ा जो भी होता है, बच्चे लोग का कपड़ा या जरी वाला, स्टोन वाला, साड़ी वगैरह हो गया, तो आप डेलिकेट में धोएंगे। फिर आप आते हैं वाइट, खलता वगैरह धो रहे हैं, सॉफ्ट कपड़ा है, वाइट कपड़ा है, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो ये वाइट में धोएंगे। ठीक है, उलेन का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, उलेन, जैसे ठंडे का मौसम में आप स्वेटर वगैरह वॉश करना चाहते हैं, तो उलेन का जो भी कपड़ा है वो उलेन में कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे टर्ब क्लीन का दोस्तों, टर्ब क्लीन में आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा ना, ये ड्रम को जो है ये खुद से साफ कर लेगा। 1 चम्मच सर्फ इसमें डाल देना है, बिना कपड़ा डाले। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर देना है, टब क्लीन को प्रेस करके स्टार्ट कर देना है, ये ड्रम को पूरा साफ कर देगा। ठीक है, इसमें धोते धोते पीला हो जाता है ये, तो ये चकाचक हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड का इंडिकेटर दिया हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप 7.5 kg का ये फुल ऑटोमेटिक है, तो 7.5 kg पूरा कपड़ा डाले, आप 7.5 kg नहीं डालना चाहते, आप 1 ही kg डालना चाहते हैं, 2 kg डालना, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये लो, मीडियम, हैवी, ठीक है। तो लो में जब आप कपड़ा डालेंगे, थोड़ा सा कपड़ा जब डालेंगे, तो उसका यहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि कितना चम्मच सर्फ डालना है, वो भी यहाँ पे आपको बता देगा ये मशीन कि लो में कितना चम्मच सर्फ डालना है, मीडियम में कितना चम्मच सर्फ डालना है, हैवी में कितना चम्मच सर्फ डालना है। उसके बाद यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है टेम्परेचर, तो ये जो है हमारा ये बिना हीटर वाला मॉडल है, जिसमें हीटर रहेगा उसमें टेम्परेचर काम करेगा, इसमें हीटर नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें आपको बता देते हैं। जैसे टेम्परेचर में नॉर्मल में लिखा हुआ तो नॉर्मल पानी लेगा, ठीक है, और वार्म देख रहे हैं आप, वार्म लिखा हुआ है, वार्म में आपका 45 डिग्री पानी लेगा, और ऊपर हॉट लिखा हुआ है तो हॉट में आपका 60 डिग्री तक गर्म पानी से कपड़ा धो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका वाटर का ऑप्शन, जितना भी कपड़ा डाले हैं, जितना पानी लेगा उस हिसाब से यहाँ पे वाटर लेवल आपको दिख जाएगा, और अगर आपको वाटर लेवल को कम बेसी करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर स्टार्ट का फंक्शन दिया हुआ है। आफ्टर स्टार्ट में क्या होगा कि आप अगर मशीन को 2-3 घंटे बाद स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा आप 9 घंटे तक लेट से मशीन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि किसी किसी का पानी सुबह 6 बजे आता है, सुबह 6 बजे हम लोग उठ नहीं पाते हैं, घर में कोई उठ नहीं पाता है, तो आप रात में ही कपड़ा डाल दीजिए और 7-8 घंटे का टाइम सेट करके छोड़ दीजिए, सुबह ही ऑटोमेटिक मशीन चालू हो जाएगा, कपड़े को धो करके उसके बाद वॉश करके बंद हो जाएगा, आप आइए कपड़ा निकालिए, सुबह आपका कपड़ा रेडी रहेगा, ये आफ्टर स्टार्ट में चीज़। उसके बाद दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हमें कपड़ा जो है मेरा कपड़ा साफ है, कपड़ा को हम फुलाना नहीं है, वॉश नहीं करना है, खंगालना नहीं है, सिर्फ सुखाना है, बाहर से भीग के आए हैं सिर्फ सुखाना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इधर बटन पे प्रेस करना है, इधर आ जाना है वॉश पे, जैसे वॉश ऑन है तो इसे ऑफ कर लेंगे, ठीक है, बीच वाले बटन को दाब के ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे रिंस लिखा हुआ है, रिंस मतलब होता है खंगालना, तो इसे भी हम लोग ऑफ कर लेंगे क्योंकि खंगालना भी नहीं है, अभी सिर्फ वॉश करना है कपड़े को, सिर्फ सुखाना है, तो सिर्फ स्पिन ऑन है, कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट कर देना है, मशीन चालू हो जाएगी, ये देखिए ब्लिंक करने लगा, इसका कहना है कि सिर्फ इसका काम हो रहा है अभी, अगर ये तीनों ऑन रहता तो एक एक करके ये ब्लिंक करता, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम दिख रहा है, 8 मिनट का टाइम लिया है स्पिन में, ये 8 मिनट सुखाएगा कपड़े को, और ये देखिए मशीन चलने लगा, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है, आप देख भी सकते हैं क्या धो रहे हैं नहीं धो रहे हैं, ये मशीन चालू हो गई, और ये सबसे ज़्यादा RPM में सुखाता है, RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट, 1 मिनट में कितने राउंड मारता है, तो ये 750 RPM का है, 1 मिनट में 750 बार घूमता है, जिसके कारण आपका ड्राई बहुत अच्छा होता है। और इसमें एक बेनिफिट और है दोस्तों कि जैसे आप मान लीजिए धोते धोते एक दो कपड़ा छूट गया आपका, आपको लग रहा है कि डालना है हमें, तो इसमें आप कुछ नहीं करना है, जैसे मशीन चल रही है डायरेक्ट मशीन के पास आइए और लीड को ओपन कर दीजिए, जैसे ही लीड को ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मशीन आपका आवाज़ कर रहा है, ये आवाज़ कर रहा है, ये बोल रहा है कि ढक्कन खुला है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि लीड ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है, लीड ओपन भी लिख दिया है, ठीक है, और ये अभी भी कर रहा है, बोल रहा है कि ढक्कन खुला है, अब जो कपड़ा छूट गया था वो डाल देंगे हम लोग, और डिटर्जेंट भी यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद बंद करेंगे और इसको छोड़ देंगे, या फिर इसको आप दबा भी सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं दबाना है, चलते रहिए, ये डायरेक्ट मशीन वहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद दोस्तों ये आफ्टर स्टार्ट का फंक्शन दिया हुआ है, जैसा कि बताए ये ऑटो रीस्टार्ट का भी फंक्शन है, मान लीजिए आप 10 मिनट का टाइम लगाएं और 5 मिनट मशीन चला और 5 मिनट का जो है बच गया और लाइट कट गया है, तो दोस्तों जब भी लाइट आएगा आपका 5 मिनट से ही स्टार्ट होगा, ना कि आपका टाइम गड़बड़ होगा, ये ऑटो बैकअप का फंक्शन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है 3 सेकेंड और ऊपर की का देख रहे हैं, तो इससे जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चा है, प्रोग्रामिंग सेट कर दिए, कुछ दबा दिया, प्रोग्राम चेंज हो गया, तो आप इस बटन को देख रहे हैं, इस बटन को 3 सेकेंड तक दबा के रखेंगे ये पैनल लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं ताला का चिन्ह आ गया लॉक का, तो ये पैनल लॉक हो गया, अभी कुछ भी दबाएंगे तो देख लीजिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये पैनल लॉक हो गया, घर में बच्चा है कुछ भी दबा दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसे खोलना जब होगा वापस से इसे 3 सेकेंड तक प्रेस करेंगे ये लॉक हट गया और ये खुल गया दोस्तों, ये चीज़ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस मशीन में जैसे ये जो पैनल देख रहे हैं, सबसे मेन चीज़ वॉशिंग मशीन में ये होता है, पहला तो मोटर होता है जिसका 10 साल का वारंटी में आपको मिल रहा है, दूसरा होता है ये पैनल, ये पैनल दोस्तों कितना भी पानी जाएगा ये ख़राब नहीं होगा, ऊपर अगर आ भी रहा है पानी तो, क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका 100% वाटर रेजिस्टेंस पैनल है, जिसके कारण से इसमें पानी नहीं जाएगा, ये बॉडी के साथ ही मेल्ड किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये कस्टमाइज योर ओवन वॉश प्रोग्राम बहुत अच्छा फीचर्स है, जो कि हम आपको बताए अभी कि आप अपने कपड़े को अपने हिसाब से धो सकते हैं, वाटर लेवल को कम बेसी करना है तो आप वाटर लेवल को भी कम बेसी कर सकते हैं, हीटर को, टेम्परेचर को भी कम बेसी कर सकते हैं,
उसके बाद आप स्पिन को टाइम सेट कर सकते हैं, ये सब आपको, अगर आपको सिर्फ रिंस और स्पिन करना है तो इसे ऑन और इसे ऑन कर दीजिए, तो ये सारा चीज़ आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों, और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे लिख के मिलेगा। ये जो मशीन है हमारा एल्योर गोदरेज का, ये बहुत ही खूबसूरत मशीन है, आप देख सकते हैं, और मजबूत मशीन है, और दोस्तों जितना भी बिका है एक भी कंप्लेन हमारा नहीं आया इस मशीन में। ड्यूरेबिलिटी बहुत ही, इसमें आपको साइड हैंडल भी मिल जाता है अगर आपको किधर इधर उधर शिफ्ट करना है।